तो उन्होंने रहना चाहिए, जब उसके जिले के किसान उसके दरवाजे पर आ रहे हैं तो उसने रहना चाहिए था। जवाबदेही है उनकी, ये क्या मतलब हुआ? डिप्टी कमिश्नर यहाँ से छोड़ के चला गया, यहाँ भी गड़बड़ है। नहीं, मैंने कह दिया उसके आका ने कह दिया तो लिकड़ी जाकड़ी ना कड़ी। आप ठीक कह रहे, आप ठीक पैरवी कर रहे भाई, आप ठीक पैरवी कर रहे उनकी। एक मिनट बैठे, अपने आप आते सोचा, सुनो भाई, तीन दिन से ये खबर पत्र न्यूज़पेपर में भी चल रही है। ज्ञापन देंगे। हाँ भैया, ये बता दो डीसी साहब है कहाँ? बस सीधी बात, पहले बताओ कहाँ डीसी साहब कहाँ? बाहर। चलो ये तो बताओ ही ना, बाहर कहाँ है? बताओ भाई, अरे बताओ ना कहाँ है? नहीं हम पूछेंगे ना फिर। देखो ना तो हम मर गए। डीसी कहाँ है? बताओ ना डीसी कहाँ है? कल दोपहर गए, दोपहर तो है भी नहीं, दोपहर तो ही नहीं भाई। हम सुनो, हम डिप्टी कमिश्नर से मिलने आए हैं, उसके बगैर किसी अधिकारी से बात नहीं करेंगे हम। जिला उपायुक्त महोदय को यहाँ बुलाया जाए, उनको अपना मेमोरेंडम देंगे और अपनी बात रखेंगे। कोई और अधिकारी जो हम मांग बात लेकर गए उनके बस की बात नहीं है। जिला उपायुक्त महोदय से बात करेंगे। ये किसान, ये किसानों की पंचायत आई आज, और कोई ऐसी बात नहीं भाई, घबराने की बात नहीं। खाना राशन पानी भी बढ़ने लग रहा, थारा भी बढ़ रहा, तुम आके खड़े मारे बेटे भाई हो, तुम भी राशन पानी बढ़ने लग रहा, तो डिप्टी कमिश्नर साहब को बुलाओ और हमारी बात कराओ। हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। भारतीय किसान यूनियन आवाज दो, तक दुखी किसान रहेगा। चाहे नंबरदार ने ले लो, चाहे उसने अपना कोई सरपंच ले लिया, तीनों आदमियों की टीम राज ये, आपने हमारा काम करना सीएम साहब से, आप बताओ प्रॉपर। वो एक एक खेत में जाए और वो नुकसान देख ले, अगर जिसका नुकसान है जितना उतना वो लिखे, जिसका नहीं है बिल्कुल ना लिखे। हम कोई दबाव नहीं डालेंगे, कोई वो नहीं करेंगे, वो गलत होता है। जिसका वाजिब बेचारे का किसी का भी है उसका नुकसान रोक दो, और उनकी जो रिपोर्ट है उसको पोर्टल में चढ़ा दो, या जो भी तरीका उससे कर लो। पंजाब सरकार ने सीधा कह दिया, अगर कुछ नहीं बेसर की सरकार में मुआवजा दे दो, वहां सब कुछ सब कुछ सामान्य है। लेकिन हमें लग रहा है कि हमारे साथ धोखा होगा, निश्चित तौर पर होगा, फिर मिलेंगे, ये बात साबित होगी।